दाते आती सदाई जाए। पीरां दे पीर दस्तगी शेख अब्दुल कादर जीलानी कुतुब रबानी महबूबे सुभानी शाह जिलानी मीरा गौस पा गया बड़ी सरकार आप सरकार का एक मुरीद एक दिन एक रस्ते तुरया जा रहा है सामने देखा कि एक बंदा बड़ा उदास बड़ा परेशान तुरया आ रहा है जब ग्यारहवीं वाले पीर के नजदीक आया वो पूछने लगा भाई की गल बड़ा उदास है बड़ा परेशान है वह कहना यारा की दसा कि मैं बहुत गरीब हाँ मेरी लड़की की शादी है उतो विआह दे दिन भी नजदीक आते जाते हैं हुण मैं सोचता है कि मैं पैसे कितों लियावां ना मेरे कोई जमीन जायदाद है ते इस करके मैं सोचा विच पिया कि दिन भी थोड़े रहिंदे जाते उधरों ग्यारहवीं वाले पीर के मनण वाला मलंग कह लगा कमलिया गल सुन सोचा विच ना पै मैं तैनूं रस्ता दस दिना शहर बगदाद विच जा उत्थे दुखियां दे मसीहा बेसहारियां दे सहारा ग्यारहवीं वाले पीर रहिंदे ने लोकी उन्हां नूं अरज़ां सुणाउंदे ने तू भी जाके सुना तेरा भी मसला हल हो जाए कहना अच्छा उस मलंग तो यह गल सुनी शहर बगदाद विच चला गया हुण सरकार अपने मुरीदां नाल बैठे हुए ने जाके खड़ा हो गया आ सरकार की नजर पैगी कह लगे की गल है कमलिया तू क्यों खड़ा हाथ जोड़ के अर्ज कर लगा कह लगा सरकार एक अर्ज लेके आया आ सरकार ने कहा दस की अर्ज है कह लगा सरकार मैं बहुत गरीब हाँ मेरी लड़की की शादी है दिन भी बहुत नजदीक आ गया ना कोई मेरे को पैसा है ना कोई सोना चांदी ना कोई जमीन जायदाद मैं सोचता कि मैं ब्याह किहदे नाल करांगा आ सरकार का एक गुलाम एक मलंग मैनू मिलिया उन्हें कहा कि ग्यारहवीं वाले पीर को जा तेरा मसला हल हो जाओ तो सरकार तुहाडे दरबार के उत्ते मैं एक अर्ज लैके आया मेरे ते कर्म करो आ सरकार ने कहा कमले आए दस तेन कितने पैसे चाहिए वह कह लगा सरकार मैं 5000 रुपया चाहिए आ सरकार ने फरमाया 5000 नाल तेरी लड़की का ब्याह हो जाऊ कह लगे हाँ आ सरकार ने इधर उधर हाथ मारिया हाथ विच की आया सरकार का रुमाल आ सरकार ने रुमाल लिया उस मलंग नूं दे दिता कह लगे जा जाके अपनी लड़के की शादी कर लै उन्हें सजदा सलाम किया तुरया जा रहा सोचा विच बह गया वह कह लगा कि सरकार दे गुलाम ने सरकार की शान बड़ी दसी सी शान मैं भी बड़ी सुनी सी पर मेरा तो सवाल एक 5000 रुपए का सी आ सरकार ने मैनू रुमाल जिहा दे के टाल दिता सोचता जाता है तुरया जाता है एक रस्ते दे विच उहदी पहुंच गया जिथे दी तुरया जा रहा उत्थे ग्यारहवीं वाले पीर दे काफी सारे आशक दीवाने खड़े हुए सी और रुमाल ने उत्थे नेका छड़नियां शुरू कर दित्तियां जिन्ने मलंग खड़े हुए सी आके भज के उस बंदे नूं घेरा पा लिया वह कह लगे कमलिया गल सुन साडे पीर दा रुमाल तू चोरी करके लैके आया हाथ जोड़ के अर्ज कर लगा कहिंदा भाई मैं चोरी नहीं करके लैके आया मैं तो अर्ज की सरकार नूं कि मेरी लड़की का ब्याह है मैनू 5000 रुपए चाहिए आ सरकार ने मैनू एक रुमाल जिहा दे के तोड़ दिता एक मुरीद सरकार का कहने लगा कमलिया वो तू इन रुमाल जिहा कह रहा तेनू पता साढ़े पीर की शान कितनी वड्डी कितने पैसे चाहिए तेनू कह लगा 5000 रुपया उन्हें कटे जेब के 5000 रुपया दे दिता कहिंदे जा जाके अपनी लड़की का ब्याह कर लै ये सारी गलबात एक लागे खड़ा चोर देखता सी दिन में सोचने का यार कैसा वो फकीर है कैसा वो पीर है जिहदे एक रुमाल की कीमत 5000 रुपया जे आपां उहदे 5-7 कपड़े चक लीए तां किन्ने पैसे बणगे किन्ने पैसे बणगे दिन में सोचने लगा कि अज जे चोरी करनी तां ग्यारहवीं वाले पीर दे घरे करनी नहीं तां चोरी करनी छड्ड देनी रात का वक्त होया चोर कित्थे चला गया ग्यारहवीं वाले पीर दे घरे चोरी करने वास्ते देखा कि आ सरकारी इबादत बैठे हुए ने एक सैर दी अंदर चला गया चारे पासे नजर मारी की नजर आया एक तस्वीर वह कहने लगा चोरी तो मैं करके लै ही जानी है आप इन गल में पा के भी देख लीए उस चोर ने तस्वीर चक्की सरकार की गल में पा रही फिर सोचने लगा कि होर कुछ देखा नजर पैगी कहते कि सरकार का चोला पिया होया सी उन्हें वह भी चुकया कह लगा लैता मैं जाना गल में पा के देख लीए जो गल में पाया सरकार का ऐसा कर्म होया कि चोर अपनी होश भुल गया फकीर वाली होश के आ गया फकीरां वाली होश दे विच आ रहा हुण तस्वी भी पाली चोला भी पालिया हुण सरकार दा पलंग लगा सोचण लगा यार आपां पलंग ते भी लंबे पै के देख लीए सरकार दी तस्वी पाई सरकार दा ही चोला पाया सरकार दे पलंग ते जदों लंबे पिया होशों बेहोश हो गया करदिया करदिया सुबह दे 4-5 बज गए ग्यारहवीं वाले पीर बाहर खड़े ने कदों उठे तो इन्हूं मैं पूछा है कौन है तो कितों आया एने नूं कुछ लोग सामने पिंड तो तुरे आए आके सजदा सलाम किया ग्यारहवीं वाले पीर अगे अर्ज करन लगे सरकार
साडा हुणे हुणे 4 बजे एक कुतुब खत्म हो गया, साडा कुतुब मर गया 4 बजे। सरकार साडे ते कर्म करो, सानू एक कुतुब दे दिओ। आ सरकार कह लगे कदों तुहाडा कुतुब मरिया, कहिंदे हुणे सरकार 4 बजे। ओह कहिंदे कमले तुहाडा 4 बजे कुतुब मरिया, कहिंदे हां, कहिंदे असीं तां इक रात ही बना के लंबे पाया, उहनूं लै जाओ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੋ ਕੁਤਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਚੋਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਚੋਰ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਮੀਰਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੇ ਮੀਰਾ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚੋਰੀ ਤੋੜਦਾ। ਸਪਾਕ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਸਮਾਨਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੰਡਦੇ ਸਹਿਜ ਖਜ਼ਾਨਾ, ऐसी हस्ती जिदा रब भी पानी भरदा, ਚੱਲਿਆ ਛੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰੂ, ਪਰ ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਖੀ ਹੈ ਐਸਾ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮੋੜੂ, ਛੋੜੀ ਤੋੜਦਾ।